टपाचपुत्रा पुलिस स्टेशन हुदूद में लकड़ी के कारखाने में भयानक आग लग गई और देखते ही देखते ये आग धुआंधार शोलों में बदल गई। इस आग पर कम से कम 4 से 5 फायर ब्रिगेड अमलों ने कड़ी मेहनत करके आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। इधर मुगल के नाला, आज सुबह 11:30 को मुगल के नाला कारवान एरिया, इधर बड़ा शेड है, ये जे रूफ का शेड है। इसके अंदर जो है वुडन का आर्टिकल्स है, वुडन का फर्नीचर है, तो मशीनरी है, और पूरा ये फायर बड़ा होने से पूरा शेड कोलैप्स हो गए। और जैसा हमको इन्फॉर्मेशन आया, हम 3 गाड़ी को पहले टर्नआउट करें और GHMC कंट्रोल रूम को फ़ोन करके वाटर टैंकर्स और JCBs मंगाए और फायर जल्दी बुझाने के लिए, और आजू बाजू भी एक प्रॉपर्टीज है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, इसीलिए फायर जल्दी बुझाने के लिए और 2 गाड़ी मंगाए। हमारा ऑफिसर और हमारा स्टाफ अच्छी तरह काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी फायर पूरा बुझ जाएगा। अभी ये लास्ट का लिए और काजा फायर के लिए हमारा ऑफिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर से इंक्वायरी करके पूरा रिपोर्ट अभी बाद में हमको सबमिट करते हैं। सर, फायर ब्रिगेड कितने अभी तक है? अभी फायर ब्रिगेड हम 5 गाड़ी को बुलाए। वाटर टैंकर तकरीबन 6 आया, 3 JCB यहाँ काम कर रहे हैं। पब्लिक से और या ऑफिसर से अच्छा सहायता मिले, इसीलिए इतना बड़ा फायर को हम जल्दी बुझ सकते।